हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा यही आशा करती हूँ कि आप सब लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज ना गाइस, मौसम ऐसा हो रहा है हमारे यहाँ पे बिल्कुल बारिश वाला, और रात में ना काफ़ी तेज, बहुत तेज़ आंधी हुई चली थी और काफ़ी तेज़ ना बारिश भी आई हुई थी। तो इस वजह से ना हमारे घर पे आज लाइट ही नहीं है, बिल्कुल अंधेरा डला हुआ है। कल रात से बिल्कुल भी लाइट नहीं आई है, काफ़ी अंधेरा है घर में बिल्कुल। और ना मेरी तो तबीयत भी 3-4 दिन से बिल्कुल भी सही नहीं है, इस वजह से ना कोई ब्लॉगिंग ही नहीं कर पा रही हूँ, ना कोई वीडियो बना पा रही हूँ कि ना आप सब लोगों के साथ में मैं कुछ शेयर करूँ। क्योंकि ना जब तबीयत ख़राब होती ना तो किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता बिल्कुल भी। हाथ पैरों में इतना दर्द होता है, इतनी वीकनेस आ जाती है, फिर तो पता है ऐसा लगता है ना कि मतलब बस आराम से लेटे रहो, कुछ काम भी ना करो। और अभी तो हाल फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना ऐसा इंसान आ जाए कोई घर में, जो ना मुझे खुद मेरा ना सारा काम कर दिया करे और ना खाना बना दिया करे और खाना बना बना के दे। और ना वाकई में बिल्कुल भी हाथ पैर ऐसे हो गए हैं, बिल्कुल कंडीशन ऐसी हो गई है, बिल्कुल नहीं, ऐसा लगता है कि बस आराम ही करते रहो। ये ना वायरल फीवर इस तरह से फैल रहा है, इतनी बुरी तरह से कि ना इससे ना बहुत मतलब हालत ख़राब हो रही है सबकी, और हद से ज़्यादा बहुत वीकनेस भी आ रही है इस वायरल फीवर से। तो मैंने तो दवाइयाँ तो ले ली थी, डॉक्टर को दिखा दिया था मैंने, तो मैं मेडिसिन तो ले रही हूँ और बस मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीवर तो मेरा चला गया, फीवर नहीं है मुझे अभी। और सिर्फ ओनली क्या है, मुझे ना 2-3 दिन से ना फीवर रहा तो मैंने कुछ खाया नहीं है, तो उस वजह से ना मुझे ना अंदर से बहुत कमज़ोरी सी फील हो रही है बहुत ज़्यादा। और ना कुछ काम करती हूँ तो बहुत एकदम वीकनेस सी महसूस होती है, बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, इस वजह से ना बहुत एकदम कुछ करने में भी मन नहीं लगता मेरा। और फीवर वगैरह तो मैं वैसे फिट हूँ, सही हो गया है मेरा, सिर्फ ओनली काम वगैरह नहीं हो पाता मुझसे, क्योंकि ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ मैं, अब कर पा रही हूँ अभी मैं। और मेरे बच्चों को भी फीवर था तो वो भी सही हो गए हैं, और मेरे हस्बैंड को भी फीवर था तो वो भी ठीक हो गया है, उनका फीवर भी। बस थोड़ा क्या है, भूख नहीं लग रही है अभी इस टाइम पे, खाना वगैरह नहीं खा रहे हैं अच्छे से, तो थोड़ी शरीर में कमज़ोरी सी फील हो रही है सबको। और तो आज ना सारे काम से फ्री होकर मैंने आज खाना बनाया और फिर घर की झाड़ू पोछा सब कुछ करके सारे काम से फ्री होके आज ना मैंने जो न्यू मेरी बेडशीट थी जो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, वो मैंने ना आज ना नई बेडशीट, पुरानी मैंने चेंज करके नई बेडशीट बिछाई है। तो ना बस उसका उसी को ना मैं आज आप सब लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि मेरी ना न्यू बेडशीट कैसी लग रही है, और ना आपको दिखाती हूँ कि ना मेरी न्यू बेडशीट ना कैसी लग रही है। तो आप सब लोग भी देखिए मेरी न्यू बेडशीट जो मैंने ना अभी बिछाई हुई है, और ना पुरानी बेडशीट ना मैंने सारी निकाल दी है आज, और आज ना धोई नहीं है मैंने, बस ऐसी रख दी हैं सारी निकाल के, क्योंकि ना मौसम थोड़ा वैसा पानी वाला हो रहा था, पानी बारिश बारिश था, तो इस वजह से ना मैंने बेडशीट धोई नहीं है, सिर्फ ओनली निकाल के रख दी है। और न्यू बेडशीट है सब सारे रूम में और हर जगह, मतलब सारे रूम में, और जो मेरे तख्त वगैरह जो कुछ भी बेड वगैरह है सब में मैंने न्यू बेडशीट बिछा दी है। तो उस दिन ना मैंने आपको बिछा कर नहीं दिखाई थी बेडशीट, तो इस वजह से ना आज मैं ना आपको दिखाती हूँ कि ना बेडशीट इतनी मेरी ऑनलाइन मंगाई हुई बेडशीट, इतनी सुंदर सी बेडशीट बिछा कर कैसी लगती हैं। सो आप सब लोग भी देखिए मेरी बेडशीट के ना कैसी लगती हैं वो बिछाने के बाद। तो आज बस मैंने छोटा सा मेकओवर किया था अपने रूमों का बेडशीट बिछा कर, तो चलो चलते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको अपने रूम का मेकओवर जो मैंने न्यू बेडशीट बिछा के अपने बेडों को, इतना सुंदर, इतनी सुंदर लग रही है मेरी बेडशीट और इतने प्यारे प्यारे बेड लग रहे हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं, दिखाते हैं हम आपको। तो गाइस हम चलते हैं अपने रूम में, और यहाँ देखिए मैंने रूम में ना ये वाली बेडशीट बिछाई हुई है ब्लू कलर की, जो मैंने मीशो ऐप से मंगवाई थी, और ये देखो इसके साथ ना 2 पिलो कवर भी हैं, और ये ब्लू कलर की बेडशीट, और इसमें जो डिजाइन बनी हुई है लाइन लाइन सी, काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छी लग रही है, और मुझे भी ये काफ़ी अच्छी लग रही है बिछाने के बाद, कितना प्यारा लुक आ रहा है इस बेडशीट का। और इसका कपड़ा भी ना अच्छा है, कॉटन में है इसका कपड़ा, और ज़्यादा महंगी भी नहीं है ये बेडशीट, काफ़ी सस्ती पड़ी है मुझे। और अब हम चलते हैं दूसरे रूम में, तो यहाँ भी मैंने दूसरी बेडशीट बिछाई हुई है, यहाँ ये मैंने पिंक कलर वाली बेडशीट बिछाई हुई है, इसमें ये पिंक कलर के फ्लावर बने हुए थे,
और अभी हमारे यहाँ पर ना लाइट नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा कलर क्लियर नहीं हो रहा है इसका, क्योंकि ना अंधेरा है रूमों में, लाइट नहीं है। और ये देखो पिंक कलर की बेडशीट भी काफ़ी प्यारी लग रही है, ये भी कॉटन में है ये बेडशीट, और इसके साथ भी दो पिलो कवर हैं, और पिंक कलर के जो फूल बने हुए हैं काफ़ी प्यारे और काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, और काफ़ी बड़ी बेडशीट भी है ये, और चारों तरफ से फूल बने हुए हैं, और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन भी है इसमें, और ये दोनों तरफ ये थोड़ी अलग अलग सी है ना, एक मतलब वाइट कलर की ना अलग सी डिजाइन सी बनी हुई है, छोटी छोटी बूंदी बूंदी सी, तो मुझे ये काफ़ी प्यारी लग रही है। तो बिछाने के बाद भी इसका लुक अच्छा आ रहा है, और बहुत अच्छी और बहुत सुंदर भी लग रही है ये। और अब हम आते हैं यहाँ हॉल में, तो यहाँ जो मेरा ये आंगन है, आंगन में भी मैंने एक बेड डाल के रखा हुआ है, जैसे कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो यहाँ पर ही बैठ जाते हैं, गर्मी वगैरह लगती है तो यहाँ बाहर आके बैठ जाते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर की बेडशीट बिछाई हुई है, जो रेड और येलो कलर के फ्लावर बने हुए हैं इसमें, तो इसका जो कपड़ा है ना वो भी काफ़ी अच्छा कपड़ा है, बट ये थोड़ी कॉटन में नहीं है, ये थोड़ी अलग कपड़ा है इसका, और ये भी काफ़ी सुंदर और काफ़ी प्यारी लग रही है। इसके साथ भी दो पिलो कवर आए हैं, पर यहाँ मैंने एक ही पिलो रखा है, क्योंकि है ना दो रखने की इतनी उसमें स्पेस नहीं था इस वजह से, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी ब्लैक कलर की भी बेडशीट। और ये जो जहाँ बाहर मतलब सबसे बाहर जहाँ हम लोगों का जो गॉक है यहाँ पे, वहाँ भी मैंने एक तख्त डाल के रखा हुआ है, तो यहाँ तख्त पे भी मैंने एक बेडशीट बिछाई हुई है। ये बेडशीट मैंने उस दिन आपको नहीं दिखाई थी, क्योंकि उस दिन मैं ना इसको दिखाना भूल गई थी, तो इस वजह से ना मैं आज आपको दिखा रही हूँ। ये ब्लू कलर की बेडशीट है, इसमें छोटे छोटे फ्लावर और पत्तियाँ ये सब बने हुए हैं, और ब्लू कलर की है, ये भी देखने में काफ़ी सुंदर है। और ये सिंगल बेडशीट है, ये डबल बेडशीट नहीं है, और इसके साथ में पिलो कवर नहीं आए थे, ये ओनली सिंगल बेडशीट ही आई थी। तो ये सब बेडशीट मैंने आप सब लोगों के साथ में शेयर की फ्रेंड्स। जैसे कि देखा आप सब ने ना कि मेरी बेड शीट ये कैसी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है, मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है, और ज़्यादा महंगी भी नहीं है ये बेड शीट, काफ़ी सस्ती बेड शीट पड़ी मुझे ये ऑनलाइन, और बिछाने से भी काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है इनका। तो गाइस आज का मेरा ये आज, तो गाइस आप सब लोग ना घर पे रहिए, और प्लीज़ सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए, और घर से बाहर बिल्कुल ना निकलिए। जब इमरजेंसी हो आपको जब भी घर से बाहर निकले, बिना इमरजेंसी के आप घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। तो मैं ना अब ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही हूँ, बोलते बोलते ना एकदम थक जाती हूँ बोलते बोलते, तबीयत अभी कुछ ज़्यादा अच्छे से सही भी नहीं हुई मेरी, बस कोई ना 2-3 दिन और लगेंगे, सही हो जाऊँगी, जब कुछ अच्छे से खाऊँगी पीऊँगी तो अच्छी हो जाएगी मेरी तबीयत, और फिर से मैं ब्लॉग बनाऊँगी और फिर से वीडियो आप सब लोगों के साथ में शेयर करूँगी। डांस का भी वीडियो मुझे बनाना है अभी, और डांस की मेरी मैंने कुछ स्टेप सिखाई हैं आप सब लोगों को, अभी बाकी बहुत सारी स्टेप सिखाना बाकी है, तो डांस का वीडियो लेकर मैं बहुत जल्द आऊँगी आप सब लोगों के साथ में। और तो गाइस आप सब लोग भी अपना बेहद ख्याल रखना, और घर पर रहना और सेफ़ रहना। तो आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप ज़रूर बताना। का मेरा ये वीडियो आप सब लोगों को कैसा लगा गाइस, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी न्यू ब्लॉग्स एंड न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे, और आप उन्हें देखते रहें, और प्लीज़ सपोर्ट करते रहें। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू अगेन।